नमस्कार सबको। आज 2 सितंबर 2023 द्रवशाला से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, विमलनाथ की ओर। यह रास्ता विमलनाथ की तरफ जा रहा है। द्रवशाला से तकरीबन 1.5 घंटा हमने ट्रैवल किया हो और अब हम विमलनाथ पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से विमलनाथ। हमने गाड़ी को पार कर लिया है और हम ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं। ये तालाब है इस प्राचीन मंदिर के सामने, और लोगों की यहाँ पर प्रथा यहाँ पर यह है कि इस तालाब को साल में एक बार ही साफ किया जाता है, नागपंचमी के दिन। ये ना आप देख लीजिए तालाब, और इस तालाब के इर्द गिर्द, और ये है हमारा ये मंदिर है, विमलनाथ जी का मंदिर। जा रहे हो और यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए विमलनाथ जी का। बहुत प्राचीन मंदिर है, बड़े बड़े पत्थरों का बना हुआ है। लोगों का मानना है कि ऐसे पत्थर तो सिर्फ 5 पांडव ही ले सकते हैं, यहाँ ले सकते थे, तो इसलिए इसको पांडव मंदिर भी बोला जाता है। इस मंदिर के चारों ओर हम जा रहे हैं, इसकी एक परिक्रमा कर रहे हैं हम। कितने बड़े बड़े पत्थरों का बना है ये, और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। पीछे से बिल्कुल घना जंगल। ये फ्लोट कर रहा है, इसमें दलदल है। वीडियो में देख, फ्लोटिंग लैंड है ये, फ्लोटिंग लैंड। विमलनाथ जो ठाठरी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, ये विमलनाथ का मंदिर दिख रहा है दूर से।
को बुला रहा था तो कौन नहीं आ रहा था? अरे लड़कियां वहां आ रही थी। चलो उधर लाइन में चलो, चलो तो सारी बैग कहां है? बैग अपना सारा वो ले जाओ एक जगह पे, चलो जल्दी। तो दिक्कत आ गई मैं नहीं आ जाओ जल्दी बैग।